वैसे वैसे एक बात बोलो, ये साइज में तो एकदम वैसा है, आपने सुना? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। Hey guys, welcome back to the video guys। और यहाँ पे guys, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं ये वाला क्रिशल का SSD NVMe NAND SSD मान लो, मतलब लैपटॉप को ये जो है ना एकदम चमकीले स्पीड आपको दे देगी। आपका लैपटॉप अगर कोई भी नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, आपको HDD यूज़ करना है, तो अगर आप SSD यानी NVMe में अगर आप कन्वर्ट करते हो, आपकी स्पीड रॉकेट की तरह हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसको पूरे तरह अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं, और यस लिटरली हम इसको लैपटॉप में डाल करके भी सेट करके चेक करके भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और गाइस, अगर आप अपने कोई भी पुराने लैपटॉप को सुपर फास्ट बनाना चाहते हो, ये वीडियो बहुत ही कामदार होने वाली है। तो फटाफट हम इसको ओपन करते हैं। मैं आपको पहले बॉक्स की कंटेंट आपको दिखा देना चाहता हूँ गाइस। वैसे हमने जो इसको चेक करने के लिए ऑलरेडी निकाल ही लिया था, और आपको जब भी आप बुक करोगे तो आपको फिलहाल जो है ना अमेज़ॉन की कुछ इस टाइप की पैकेजिंग पन्नी में मिल जाएगी। इसको तो हम साइड में रख देते हैं। और ये करीबन गाइस मैंने 1.5 साल पहले खरीदे था, जो करीबन मुझे 5,000 का मिला था। बट अभी के टाइम में इसका प्राइस डाउन हो रखा है, 2,700 या फिर 2,500 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी के टाइम जब मैंने बुक किया था 2,600 चेंज था, और अभी फिलहाल 2,560 मान लो कि भाई 2,500 से 1-200 रुपये ऊपर नीचे आपको हो सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको ये बाय करना है तो। भाई SSD देखो आप कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आ जाएगा दोस्तों, आपको कुछ ऐसा मिलता है। और ऊपर की तरफ जो हमारा जो है ना सेफ्टी स्टिकर है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो गाइस ऊपर की तरफ हमें जो है ना क्रूशल की तरफ से ब्रांडिंग आ जाती है। इसका मेन फादर कंपनी है माइक्रोन, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और इसके प्रोडक्ट में जो है ना ये वाला जो लैपटॉप देख रहे हो, पिछले 2-2.5 साल से मैं यूज़ करता हूं अपने दूसरे लैपटॉप में भी। इस ब्रांड के प्रोडक्ट मैंने बहुत सारे यूज़ किए, जो कि क्वालिटी अच्छा होता है। ये गाइस दोस्तों है हमारे पास 500 GB, और ये 3500 मेगाबाइट्स के स्पीड पर सेकंड पे राइट कर सकता हूँ। PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD है, यानी मतलब समझ लो SSD है और ये NVMe सपोर्ट करता है। NVMe आपको देता है कि भाई बेहतरीन टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी रीड एंड राइट देता है। इस मेन तो आ जाता है हमारा ये वाला, इसको पहले साइड में रखते हैं। और इसके अंदर में हम और देखते हैं भाई, कुछ आपको पुस्तकें मिल जाते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, वरना ये वाली वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई, पूरा चीज़ यहाँ लिखता है। इसको भी हम साइड रखते हैं। मेन बात जो है भाई इसके अंदर, अब देखो देखने में भी आपको ये सब कुछ नहीं उतना लगेगा, और ये तो हार्डवेयर मगर एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर में यानी लैपटॉप के अंदर में चला जाता है। तो तब पर भी अगर मैं आपको बॉक्स कंटेंट दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से हमारा SSD आ जाता है। देख सकते हो इतना छोटा सा 500, एक ज़माने में भाई एकदम भारी सा ब्रिक होता था। और इसके साथ में आपको एक छोटा सा इसके ऊपर जो कसने वाला रहता है, इसको स्क्रू क्या बोलते हो भाई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप इसके अंदर में डालने को होता है। तो मैं फटाफट जो है ना इसको अपने लैपटॉप में सेट करता हूँ, और आपको बताता हूँ कि भाई स्पीड क्वालिटी वगैरह कैसी है। बाकी गाइस किस तरह से अगर इसको सेट करना होता है, कैसे क्या करना होता है, तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, लिंक मैं नीचे बाद में डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो फ्यूचर में कोई वीडियो देख रहा है तो भाई डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, 1-2 दिन टाइम लगेगा वो वीडियो आने के लिए। भाई साहब देख सकते हो भाई यहाँ भी क्लियर से लिखा है, ये M.2 है और 500 GB वाला है, और बाकी स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, बाकी और कुछ भी है। तो अभी का प्राइस अगर मैं दिखाऊं तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस सेम वाला चीज़ है, 2568 का हो रखा है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट फिट करते हैं और देखते हैं भाई बाकी चीज़ें इसका क्या काम करता है अभी।